दोस्तों जब भी आप फ्लाइट से ट्रैवलिंग का प्लान करते हो तो एक कंफ्यूजन ऐसी है जो हमेशा आपके मन में रहती है कि बैग कितने लेके जाएं। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में कैसी एयरलाइन है जिसने अनाउंस कर दिया है कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी क्लास से तो आप सिर्फ एक ही बैग अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो कौन सी है वो एयरलाइंस, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रिक्स और मैं हूं आपका अपना ऑनलाइन ट्रैवल गाइड चमन भाटिया। दोस्तों बैगेज पॉलिसी की जब भी बात होती है तो बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है जो सिर्फ सिंगल बैगेज पॉलिसी को फॉलो करती है। इंडिया में जेट एयरवेज ने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर आप 15 जुलाई या 15 जुलाई के बाद ट्रैवल करेंगे जेट एयरवेज के थ्रू डोमेस्टिक यानी कि विद इन इंडिया इकोनॉमी क्लास है तो आपको मेन बैगेज जो अलाउड होगा सिर्फ एक ही अलाउड होगा, आप दो कैरी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रीमियर से ट्रैवल कर रहे हैं जेट एयरवेज के थ्रू तो आपको जो है दो बैग अलाउड होंगे 15 किलो और 15 किलो के, यानी कि वो तो 30 किलो लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमी से ट्रैवल कर रहे हो तो आप सिर्फ एक ही बैग 15 केजी का लेके जा सकते हो। दोस्तों इस नए नियम की अनाउंसमेंट जो है कल कर दी गई थी, यानी कि 15 जून को अब जेट एयरवेज जो है सिंगल बैग कॉन्सर्ट पॉलिसी को जो है फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कोई भी बुकिंग 14 जून या उससे पहले की है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं विद इन इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट जेट एयरवेज के थ्रू 15 जुलाई या उससे पहले तो आप पे जो है ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपनी बुकिंग करी है कल यानी 15 जून या उसके बाद और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं 15 जुलाई या उसके बाद तो आपको जो है सिर्फ एक ही बैग अलाउड होगा इकोनॉमी क्लास में और वो भी 15 केजी, आप उससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। दोस्तों एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ मेन लगेज पे है, हैंड लगेज पे नहीं है। हैंड लगेज की पॉलिसीज एज इट इज सेम ही है जो भी चल रही है, ये पॉलिसी सिर्फ एप्लीकेबल होगी मेन लगेज पे। साथ ही साथ एक्सेस बैगेज पे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया कि इनकेस अगर आप 15 केजी से ज्यादा जो है और कैरी कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप दो बैगेज बाय एनी चांस कैरी कर रहे हैं तो उस पर क्या चार्जेस होंगे, उसकी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं आपको जो है उसके बारे में बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी जेट एयरवेज की सिंगल बैग कॉन्सर्ट पॉलिसी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको क्या लगता है कि सिंगल बैगेज 15 केजी का डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर ये पॉलिसीज कैसी रहेगी, आपको अच्छी लगी या बेकार लगी, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं जो है वेट करूंगा आप सबके कमेंट्स का। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ में एक बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, उससे होगा कि मेरे जो भी वीडियोज अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगी सबसे पहले। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के, आप उनको मैसेज करके बता सकते हैं कि ये एक नई बैगेज पॉलिसी है जेट एयरवेज की। हो सकता है वो 15 जुलाई के बाद ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो और बाय एनी चांस अगर वो दो बैगेज कैरी करते हैं तो हो सकता है उनको चार्जेस उस पे देने पड़ेंगे। तो आप इस इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सबके साथ शेयर करें जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, जो भी ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस चैनल में इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक गिव अवे चल रहा है चैनल पे, आपको पता ही होगा, आप जो उसका लिंक जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे, 2 रातों का होटल स्टे फ्री मनाली में ट्रैवल ट्रिक्स की तरफ से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।